Hello friends, welcome to Originative Science. Today we are going to discuss NCERT class 8th, chapter number 6, that is combustion and flame. So we have discussed about combustion in my previous video, and now we are going to discuss about flame and fuel in this video. So let's start with the flame. Okay, so you must have seen the flame. So these all are the types of flame. Okay, so I'm not going to discuss about the flame, as you all know about the flame. So directly we will go to the structure of flame. So now in the structure of flame, we have three zones of the flame. First one is the outermost zone, the second is the middle one, and the third one is the innermost zone of unburned wax and vapor. So you see, this is the outermost zone which appears blue in color. This is the outermost zone which appears blue in color, and it is the hottest area of the flame. This is the hottest zone of the flame. Ye flame ka hottest zone hai. And you must have seen Goldsmith using the outermost zone for melting and molding the gold, because it is the hottest area of the flame. ठीक है, क्योंकि Goldsmith इसलिए इस zone का use करता है, क्योंकि ये जो zone है, ये क्या है, आपकी सबसे hottest part होता है, सबसे hottest area होता है हमारी flame का. Then आपका middle zone होता है, middle zone जो है आपका, that appears yellow in color and it is moderately hot. Okay, and this one is the, then we come to the this innermost zone which appears black in color because of unburnt wax vapor. Okay, so it is the least hot area of the candle, sorry, of the flame. Okay, so there are three zones of the flame: outermost, middle zone, and innermost zone. So the outermost zone appears blue in color and it is the hottest part of the flame. Then middle one appears yellow in color and it is moderately hot. And then innermost zone is appears black in color and it is the least hot part of the flame. Okay, now what is a fuel? Fuels are the sources of heat energy. Means आपको जो heat energy मिलती है वो आपको कहाँ से मिलती है? Fuel से मिलती है. ठीक है, fuels हम use करते हैं अपने domestic purposes में, industrial purposes में. जैसे कि आपके कुछ fuels हैं, जैसे wood है, charcoal है, petrol है, diesel है, kerosene है, ये सब क्या हैं? आपके fuels हैं जो जिनका आप यूज़ करते हो हीट एनर्जी प्रोड्यूस करने में. ओके, सो जो एक अच्छा फ्यूल होता है उसकी क्या कुछ क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, क्या करेक्टरिस्टिक्स होती हैं उसकी? जो एक अच्छा फ्यूल होता है, दैट शुड बी रेडली अवेलेबल, मतलब वो आपको ईजिली अवेलेबल हो जाना चाहिए. दैट शुड बी चीप, एंड उसका जो इग्निशन टेम्परेचर है, दैट शुड बी मॉडरेट. ठीक है, दैट शुड नॉट बी आदर वेरी हाई और वेरी लो. ओके, जो आपका एक अच्छा फ्यूल होता है उसका जो इग्निशन टेम्परेचर है, दैट शुड बी मीडियम. ओके, वो मीडियम होना चाहिए, ना ही बहुत ज़्यादा हाई और ना ही बहुत ज़्यादा कम. और उसकी जो कैलोरीफिक वैल्यू है फ्यूल की, वो बहुत वो हाई होनी चाहिए. अब कैलोरीफिक वैल्यू के बारे में हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे. ओके, तो जो आपका फ्यूल है, एक अच्छा फ्यूल है, उसकी कैलोरीफिक वैल्यू अच्छी होनी चाहिए. वो दैट शुड प्रोड्यूस अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एंड इट डज नॉट लीव एनी अनडिज़ायरेबल सब्सटेंस. कि मतलब उस फ्यूल को अगर आप बर्न करते हो तो दैट शुड नॉट रिलीज एनी अनडिज़ायरेबल, मतलब हार्मफुल पल्यूटेंट वो हमारे इन्वायरमेंट में रिलीज ना करे, हमारे इन्वायरमेंट को हार्म ना करे. ओके, सो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम नेक्स्ट स्लाइड में
अपने कैलोरीफिक वैल्यू के बारे में डिस्कस करेंगे। तो कैलोरीफिक वैल्यू बेसिकली होती क्या है? कैलोरीफिक वैल्यू है द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड ऑन कंप्लीट कंबशन ऑफ 1 kg ऑफ फ्यूल, ठीक है, इज कॉल्ड इट्स कैलोरीफिक वैल्यू। ठीक है, कि द अमाउंट ऑफ जितनी मतलब कितनी अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस हो रही है जब हम 1 kg ऑफ फ्यूल को बर्न कर रहे हैं। ठीक है, उस 1 kg ऑफ फ्यूल से जितनी अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होगी दैट विल बी इट्स कैलोरीफिक वैल्यू। नाउ सी, हम इसे एक एग्जांपल से समझते हैं कि जैसे आपने 1 kg ऑफ काउ डंग ले लिया एंड 1 kg ऑफ CNG ले लिया। ठीक है, तो आप देखोगे कि अगर आपने 1 kg ऑफ काउ डंग को जब यू स्टार्टेड बर्निंग इट एंड देन CNG, आपने CNG को लिया, जब आपने दोनों को बर्न करना स्टार्ट किया, तो यू विल सी कि दोनों में से कौन सा फ्यूल आपको ज़्यादा हीट एनर्जी प्रोवाइड करेगा। ऑब्वियसली द आंसर विल बी CNG। CNG आपको ज़्यादा हीट एनर्जी प्रोवाइड करेगा। इसका मतलब क्या है कि जो आपका CNG है उसकी कैलोरीफिक वैल्यू हाई है किससे? काउ डंग से। ओके, जैसे कि यहाँ पे चार्ट दिया हुआ है, तो आप यहाँ पे चार्ट से क्लियरली देख सकते हो कि जो काउ डंग केक है उसकी जो कैलोरीफिक वैल्यू है दैट इज़ बिटवीन 6000 to 8000 एंड CNG की जो कैलोरीफिक वैल्यू है दैट इज़ 50000। सो तो यू कैन सी कि जो CNG है दैट इज़ मोर एफिशिएंट फ्यूल। इससे मालूम पड़ता है कि कौन सा फ्यूल कितना एफिशिएंट है। ओके, अब हम कैलोरीफिक वैल्यू को मेज़र किस में करते हैं? क्योंकि जब हम किसी चीज़ को मेज़र कर रहे हैं तो उसकी एक यूनिट होती है, जैसे लेंथ की, वेट की, सबकी क्या होती है, एक यूनिट होती है मेज़र करने की। तो वैसे ही कैलोरीफिक वैल्यू को मेजर करने की जो यूनिट होती है दैट इज़ किलो जूल पर kg। ओके, तो यानी kJ/kg इज़ ए यूनिट ऑफ कैलोरीफिक वैल्यू। सो यहाँ पे आपको टेबल दिया गया, यू कैन सी योर कि जो काउ डंग केक है उसकी जो कैलोरीफिक वैल्यू है दैट इज़ बिटवीन 6000 to 8000 किलो जूल पर kg। वुड क्या हो गया 17000 to 22000 किलो जूल पर kg। पेट्रोल 45000, CNG आपका हो गया 50000, बायोगैस आपका हो गया 35000 to 40000 एंड हाइड्रोजन आपका हो गया 150000। तो यू कैन सी कि जो यहाँ पे हाइड्रोजन है उसकी जो कैलोरीफिक वैल्यू है वो सबसे ज़्यादा हाई है। इसका मतलब जो आपका हाइड्रोजन है दैट इज़ द मोर एफिशिएंट फ्यूल। ओके, मतलब जो आपका हाइड्रोजन है वो आपको ज़्यादा, अगर आप 1 kg ऑफ हाइड्रोजन प्रोड्यूस करोगे तो उससे आपको ज़्यादा कैलोरीफिक वैल्यू मिलेगी, ज़्यादा हीट एनर्जी आपको मिलेगी। ओके, अब जो आपके फ्यूल्स हैं इनको हम बर्न करते हैं क्योंकि ये हमारी डे टू डे लाइफ में यूज़ होती हैं। अब जो ये फ्यूल्स जब बर्न होते हैं तो इसकी वजह से कुछ हार्मफुल पोल्यूटेंट आपके एनवायरनमेंट में रिलीज़ होते हैं, जिसकी वजह से आपको बहुत सारी डिजीज़ हो जाती हैं, जैसे स्किन प्रॉब्लम हो जाती है और हार्ट प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, लंग प्रॉब्लम हो जाती हैं, थ्रॉट इरीटेशन हो जाता है, आई इरीटेशन हो जाता है। तो ये सारी डिजीज़ आपको एयर पोल्यूशन, क्योंकि ये जो पोल्यूटेंट है ये एयर पोल्यूशन में कंट्रीब्यूट करते, एक मेजर रोल प्ले करते हैं एयर पोल्यूशन में। आपको पता है जब एयर पोल्यूशन होगा तो एयर पोल्यूशन की वजह से आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेंगी। ठीक है, अब जब आपके कुछ व्हीकल्स हैं उनमें इनकम्प्लीट कंबशन होता है फ्यूल का इनकम्प्लीट कंबशन की वजह से जो आपका कार्बन मोनोऑक्साइड है, चाहे वो वुड है या फिर आपका कोई भी फ्यूल है, पेट्रोल है, डीजल है, उनके इनकम्प्लीट कंबशन जब होता है तो इसकी वजह से कार्बन मोनोऑक्साइड क्या होता है, रिलीज़ होता है एनवायरनमेंट में। अब कार्बन मोनोऑक्साइड जो है कार्बन डाइऑक्साइड से ज़्यादा आपकी क्या है, हार्मफुल है, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड के पास एक एफिनिटी पावर होती है, वो आपके ब्लड के साथ बहुत जल्दी रिएक्ट कर लेती है और ऑक्सीजन की जगह ले लेती है। ओके, तो जब आपकी बॉडी में ऑक्सीजन की जगह कार्बन मोनोऑक्साइड आपके बॉडी में ट्रांसपोर्ट होगा तो उसकी वजह से आपकी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी होगी। ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी की वजह से जब हमारे ब्रेन में ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा तो इसकी वजह से दैट पर्सन कैन डाई। ओके, एंड कंबशन की वजह से
क्या होता है, कुछ जैसे कुछ आपके जो फ्यूल्स हैं कंबशन की वजह से, उनके कंबशन की वजह से इन्वायरमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होता है। जब कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होता है, आपको पता होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है दैट इज़ द वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट गैस विच कंट्रीब्यूट इन ग्लोबल वार्मिंग और ग्रीन हाउस इफेक्ट। ओके, सो तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसकी वजह से आपके अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है, जिससे हम ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं। तो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्या हो रहा है, आपके जो ग्लेशियर हैं वो मेल्ट हो रहे हैं, और इसकी वजह से क्या हो रहा है, ग्लेशियर मेल्ट हो रहे हैं और साथ ही साथ जो आपके आप देख रहे हो क्लाइमेट चेंज में भी इसका आपको असर दिख रहा है। ठीक है, जैसे बर्निंग ऑफ कोल एंड डीजल रिलीजेस सल्फर डाइऑक्साइड गैस, कि जब कोल एंड डीजल बर्न होते हैं, फ्यूल को जब हम बर्न करते हैं, तो उसकी वजह से सल्फर डाइऑक्साइड गैस एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस, ऐसी गैसेस जो हैं हमारी इन्वायरमेंट में रिलीज़ होती हैं, और ये गैसेस रिएक्ट करके क्या बनाती हैं, आपका एसिड रेन बनाती हैं। और एसिड रेन जो है बहुत ज़्यादा क्या है, हार्मफुल है। वो हमारी जो वाटर है, जो हमारी वाटर बॉडीज हैं, जो हमारे क्रॉप्स होती हैं, इवन अगर रेन, इफ़ दैट रेन फॉल्स ऑन आवर बॉडी दैट विल क्रिएट सम स्किन प्रॉब्लम ऑल्सो। ओके, सो दैट इज़ वेरी हार्मफुल। तो हमें जो भी फ्यूल्स हैं उनका यूज़ बहुत ही वाइजली करना चाहिए। हमें उन फ्यूल्स का यूज़ करना चाहिए जो हमारे इन्वायरमेंट के लिए सेफ हैं, जो हमारे इन्वायरमेंट में क्या करते हैं, कोई भी हार्मफुल पोल्यूटेंट रिलीज़ नहीं करते हैं। और अभी जो हम कह सकते हैं कि जो बेस्ट फ्यूल है, तो जो हम यूज़ कर सकते हैं, दैट इज़ द CNG, दैट इज़ योर CNG। CNG इज़ कंप्रेस्ड नेचुरल गैस जो हम यूज़ कर सकते हैं एज अ क्लीनर फ्यूल। ओके, थैंक यू, होप यू हैव गॉट दिस चैप्टर, एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी बिलो इन माई कॉमेंट सेक्शन। टिल देन थैंक यू फॉर वॉचिंग।